ये वीडियो देखने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब करें ज्ञानी इनफ चैनल को और प्रेस कर दें बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, ये मेरा चैनल ज्ञानी इनफ लेकर आया हूँ आपके लिए ऑल न्यू होंडा ड्रीम युगा का एक्चुअल शोरूम लुक। जी हाँ दोस्तों, ये 2018 वेरिएंट है जो आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे। तो जिन्होंने भी इसके लिए मैसेज किया था तो उनके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रह सकता है। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं, सारी स्पेसिफिकेशन फीचर्स आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिलेंगे। साथ में आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद कोई क्वेरी होती है आपके मन में तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स में पोस्ट करके, उसको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा जैसे मैं हमेशा करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं आपको किसी भी कार बाइक या स्कूटर का फ्रंट दिखाता हूँ तो पहले आप यहाँ पे जो फ्रंट लुक है वो कम्प्लीटली ले लीजिए। जो इसके हेडलैम्प हैं आपको ये मिलते हैं कन्वेंशनल, ये आप अच्छे से देख सकते हो। इधर आपके जो इंडिकेटर्स हैं ये भी कन्वेंशनल हैं। फ्रंट में आपको मिलती है होंडा की ब्रांडिंग जो आप ये देख रहे हैं स्टिकर फॉर्म में दी गई है। साइड में जो इसके ग्राफिक्स हैं वो देख लेते हैं तो ये आपको नए मिलते हैं 2018 ड्रीम युगा में। और ये आपको कैसे लग रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है बाइक के कलर के साथ जो पूरा ब्लैक है, ग्लॉसी ब्लैक है, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। नीचे अगर आप देखते हैं जो इसके व्हील्स हैं तो यहाँ पे आपको ये अलॉय व्हील्स मिलते हैं। साथ में जो आपको ब्रेक्स हैं वो हैं आपके ड्रम ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक आपको इसमें नहीं मिलते हैं। इधर आपके जो साइड रिफ्लेक्टर्स हैं वो आप देख रहे हैं जो आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे आप जिसका साइड प्रोफाइल है वो आप देख रहे हो तो एक कंप्लीट लुक आप ले सकते हो। पूरा एक फ्रेम में आपको इसका एक अच्छे से पूरा व्यू मिल रहा है तो आप ग्राफिक्स यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली। इंजन कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो ये मिलता है आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के ऊपर और बाइक को ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है जो लुक है बाइक का, इसको इम्प्रूव करता है, एनहेंस करता है। पीछे की तरफ अगर आते हैं तो आप 110 और HET BS4 जो एक एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी है होंडा की, उसकी ब्रांडिंग यहाँ देख रहे हो। ड्रीम युगा की ब्रांडिंग हो गई, सब कुछ आपको स्टिकर फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। इधर आप देखते हैं तो आपका एग्जॉस्ट है तो इसकी जो प्लेटिंग है आपको मिलती है क्रोम के ऊपर जो काफ़ी अच्छी लग रही है। ग्राफिक्स का मैंने आपको लुक दे दिया है फिर भी आप पूरा एक अच्छे से यहाँ पे फिर से देख लीजिए तो रेसिंग टाइप ग्राफिक्स थोड़े से आपको यहाँ पे लगते हैं और काफ़ी ये अच्छी क्वालिटी के भी लग रहे हैं जितना भी मेरे को यहाँ फील हो रहा है। बाकी जो होंडा की ब्रांडिंग है आपको मिलती है क्रोम के ऊपर जो लगभग होंडा की और भी बाइक्स हुए देखने को मिलता है और ये काफ़ी बोल सकते हैं हाई एंड लगता है जब क्रोम की जो ब्रांडिंग या क्रोम का कुछ एक्सेंट दिया जाता है किसी बाइक में। आपका इसके बारे में क्या सोचना है ज़रूर शेयर करिएगा। चलते हैं दोस्तों बाइक के पीछे और जिसका बैक प्रोफाइल है वो आपको शो कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका आप एक बैक लुक ले रहे हैं तो पीछे के आपके जो टेल लैम्प है वो भी पूरा आपको कन्वेंशनल क्लस्टर यहाँ पे दिया जाता है। दूसरी साइड आ गए हैं तो इधर से भी आप एक लुक ले सकते हो तो इधर से भी आपको अच्छे से पूरा एक लुक मिल जाएगा। साइड का, आगे का, फ्रंट सब कुछ मैंने आपको शो कर दिया है। अब चलते हैं बाइक के ऊपर का भी जो एक लुक है वो आपको मैं शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसका अपर पार्ट देख रहे हो तो आपका जो ग्रैब हैंडल है पिलियन के लिए आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश के ऊपर जो मेजर पार्ट है बॉडी का, जो कलर है। यहाँ पे जो सीट्स हैं आपकी पूरी फ्लैटेंड दी गई हैं, इसकी मैं कुशनिंग ज़रूर आपको शो कर दूंगा लेकिन जो लोग ये गाड़ी चला रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपको इसकी सीटिंग कैसी लगती है, कम्फर्टेबल लगती है कि नहीं लगती है। जो एक रेगुलर यूज़र होता है तो वो बहुत बढ़िया रहता है। आगे आप देखते हैं इसका जो फ्यूल टैंक है ये भी पूरा आपको फ्लैटेंड जैसे कि पीछे से आ रहा है वैसे ही पूरी आपको यहाँ पर भी पूरा फिनिश मिलता है बोल सकते हैं। और जो एक ग्लॉसी कलर है ये बहुत अच्छा लग रहा है बाइक के ऊपर। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ और यहाँ पे जो आपके इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आप देख रहे हो तो आपको यहाँ पे डिजिटल कुछ भी नहीं मिलता है। इधर आपका स्पीडोमीटर हो गया, आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया, आपका फ्यूल गेज हो गया, बाकी जो नॉर्मल सिग्नलिंग है वो आप देख सकते हो। ब्लू एक्सेंट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है तो थोड़ा सा इसको एक बोल सकते रिफ्रेशिंग लुक देता है, अच्छा लुक देता है। यहाँ पे जो इसकी की है वो आप देख सकते हैं तो नॉर्मल कीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे दो कीज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं। हैंडल्स की दोस्तों बात करते हैं तो आपका जो पास लाइट है, आपका हाई बीम लो बीम है, आपका जो इंडिकेटर है, आपका जो हॉर्न है, इधर आपका जो इलेक्ट्रिक स्टार्ट है वो आपको प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे लगभग जितने भी इसके फीचर्स थे, स्पेसिफिकेशंस थी, मेरे हिसाब से मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपने वीडियो अभी तक पूरा देखा है साइड्स में शॉर्ट्स में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप होंडा की और भी बाइक्स का रिव्यू देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन में जा सकते हैं इस चैनल पर, वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं होंडा की प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको डिफरेंट बाइक्स देखने को मिल जाएंगी होंडा की और जो भी आपकी फेवरेट बाइक है। बाकी कोई क्वेरी होती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट्स में पोस्ट करके, उसको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक लिए दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।